हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। मैं हूँ अनिल बागुल और मेरे चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान। तो दोस्तों, पीछे का व्यू देख रहे हैं तो फिलहाल घोटी, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर या फिर वनी और सापुतरा कोई भी व्यू हो तो उसके ऊपर मैं वीडियो तो नहीं बनाता, पर बहुत देखने सी चीज़ है। आप चाहो तो नासिक आए कभी घूमने तो ये देख सकते। तो दोस्तों, आगे चलते और काम की बात करते। दोस्तों, आपका ऑटो जब बहुत ज़्यादा काम करना लगता है या फिर क्या प्रॉब्लम होता है, ऑटो ड्राइवर खुद हो या फिर ऑटो ड्राइवर जो आप रेंट पे देते हो, तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो आगे की बात करते हैं, जो ड्राइवर केबिन की, उसके बारे में आज की पूरी जानकारी। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियो में पहले भी अपलोड कर चुका हूँ और आप जानते हैं आप गाड़ी चलाने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको कुछ चीज़ें समझना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं बारिश तो मौसम पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ और मेरे भी वीडियो ख़त्म नहीं हुए, तो चलो शुरू करते। सबसे पहले आप देख सकते जो ऑटो ड्राइवर, बहुत से ऑटो ड्राइवर ऐसे होते हैं जो गाड़ी का जो हैंडल प्रॉब्लम होता है वो किस वजह से होता है। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखो, आप खुद ऑटो ड्राइवर हो या ऑटो चलाने किसी पे रेंट पे देते हो, तो इसमें चलाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपका जो ऑटो ड्राइवर या फिर आप खुद भी हो ऑटो चलाने, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत से ऑटो ड्राइवर जो बारिश के दिन है और आपको पता है कि जो प्रॉब्लम होते हैं, जो आगे का हैंडल जो फॉर्क है या फिर हैंडल है या फिर शॉक अब्सॉर्बर, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है और संभाल के गाड़ी चलाएंगे तो ये प्रॉब्लम आगे चल के और बढ़ नहीं सकते। तो दोस्तों, यहाँ बात करते हैं हैंडल की। और दोस्तों, एक ध्यान रखना है, छेनी और हथौड़े का काम मिस्त्री का हो या खुद आप करना चाहते हो, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये काम कब करना है और कब नहीं करना है। अभी आपके फिटर, मिस्त्री, आपका दोस्त, फ्रेंड या फिर आप पहली बार ऑटो लेने के बाद, आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो में इसी के लिए मैं बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ मेरा नाम पहले जान लीजिए, मैं हूँ अनिल बागुल और मेरा चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान। फिलहाल फिटर का नाम भी जान लीजिए क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वो भी हमेशा हर वीडियो में दिखता है और आपके साथ वो भी मेरे साथ वीडियो बनाता है, तो उसका नाम है इमरान। तो दोस्तों, हम दोनों फिलहाल महाराष्ट्र नासिक, यहाँ हमारा जो दोस्त का गैरेज है वहाँ काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, बहुत जब आप नया ऑटो लेते हैं, टू स्ट्रोक हो या फोर स्ट्रोक, तो दोस्तों होता क्या है, बारिश के दिनों में आपको स्पीड ब्रेकर, गड्ढे या जो भी कुछ ख़राब रास्ता हो, तो फिलहाल आपको पता है सीट जो सिटी में रहते हैं तो बहुत से ऐसी जगह है कि वहाँ आपको बहुत सारे स्पीड ब्रेकर मिलते हैं और आप चाहे ना चाहे पर वहाँ से आपकी ऑटो जाती ही जाती है। दोस्तों, आप कभी कभार बहुत ही हाई स्पीड में हो, गाड़ी का जो 60-65 से 70 की स्पीड से ऑटो चलता है, उसमें पैसेंजर 6-7 पैसेंजर बैठे हो, ओवरलोड हो, तब आपका ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे बच सकते, पर दोस्तों, यह आपको गाड़ी का जो टायर में हवा है, उसका एयर प्रेशर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको इससे बचा सकती है और आपका जो गाड़ी का प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल मैं अनिल बागुल आपके लिए ऐसे सारे वीडियो बनाते रहता हूँ। जैसे आप व्हील आपका आगे का जाम चलता है, मतलब ज़्यादा फ्री नहीं है और उसमें आपका जो एवरेज का प्रॉब्लम होता है या पिकअप का, तो ये चीज़ें भी आपको इस चीज़ में बताने वाला हूँ। तो फटाफट आगे चलते हो दोस्तों, और एक बात ध्यान रखना है, मैं अनिल बागुल आपके लिए बहुत सारे वीडियो, अभी भी एक जो सेकंड हैंड ऑटो लेने वाले बहुत से ऑटो ड्राइवर उनको भी पता है, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। उसकी एक लिंक नीचे दे, डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएंगी। आपको नया ऑटो लेना है या बिज़नेस कैसे शुरू करना है, उसके लिए भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा। अभी लेटेस्ट वीडियो डाला है मैंने ऑटो रिक्शा बिज़नेस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ आपको कौन सा भी ऑटो लो, TVS का लो, महिंद्रा का लो या फिर पियाजो लो, तो ये दोस्तों आप पे निर्भर करता है, आप कौन से ऑटो से कैसे काम करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, ये आगे का फॉर्क खुलने के बाद यहाँ पिन सेट होता है, जहाँ ये बारिश के दिनों में बहुत सारा प्रॉब्लम था। अभी बजाज कंपनी ने BS6 के जो बहुत से फॉर्क दिए, उसमें जो नेपल फॉर्क पिन के पास होता है, जहाँ ग्रीस बहुत से ऑटो पंप जो ग्रीस पंप के द्वारा उसमें डालते हैं, पर अभी फिलहाल कंपनी ने क्यों दिया नहीं वो पता नहीं, कंपनी को भी पता है, पर पुराने ऑटो ड्राइवर को ये अच्छा लगता है और उससे जो ऑटो का जो फॉर्क है पिन ज़्यादा दिन तक चलती है। तो दोस्तों, ये अभी पिन देख सकते हैं, थोड़ा उसमें प्ले आ गया तो उसको वेल्डिंग करने का, उसको फिर फिट करना है। तो दोस्तों, ये काम आपके आपके जो स्टेट में अलग अलग काम करने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए अभी यहाँ फिलहाल नासिक में हम तो यहाँ ऐसे ही करते। आपके यहाँ फॉर्क आउट कैसे करते आप कमेंट करके बता सकते। और दोस्तों, ये हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू काम करता है और ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता और वक्त भी बच जाता है।
तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तभी आगे चलते और ऑटो रिक्शा का जो फॉर्क आउट है उसका प्रॉब्लम है वो भी निकाल देना है कि देख लेना है कि उसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आप एक काम करोगे दूसरा काम रह जाता है, फिर आपको दोबारा खोलना पड़ता है, फिर आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है। वैसे भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर को पता है 365 दिनों के बाद आधा काम गैरेज में, आधा दिन गैरेज में जाता है, मतलब मिस्त्री के पास। तभी देखो आपके जो हैंडल का साउंड आता है, ये हैंडल बहुत ही ख़राब हो गए, तो ये आगे की बेरिंग इसको निकाल के नई वाली, अभी पुरानी वाली निकाल दी और नई वाली जो बड़ी को बॉल वाली बेरिंग वो डाल दी नहीं, जिसके कारण आने वाला साउंड खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे ड्राइवर आधा अधूरा काम करते हैं, मतलब मिस्त्री तो नहीं करता पर गैरेज में जब जाती है तो आपको बहुत जल्दबाजी में आप रहते, आपको कोई काम रहता है ऑटो का पैसेंजर लेके जाना या फिर कोई स्कूल के बच्चे होते हैं, कुछ भी करना पड़ता है, ये दोस्तों यह काम आधा करके आगे और परेशानी बढ़ती रहती है। दोस्तों पैसा तो ऑटो रिक्शा मतलब आपको तो पता ही है, बहुत से जो प्रॉब्लम है हैंडल साउंड के उसमें अलग अलग है, तो वैसे मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। अभी ये शॉर्टकट में आपको जितना हो सका बता देता हूँ, आगे और भी है। और वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आपके यही चीज़ से हमको मोटिवेट मिलता है और आपको बहुत सारा प्यार, तो वैसे भी दोस्तों आपका प्यार मिलता ही रहता है। वैसे मेरे 2000 सब्सक्राइब आपके प्यार की वजह से और 2,00,000 व्यू तक पहुंच चुका हूँ। तो आगे चलते दोस्तों, फिलहाल इमरान भाई हमारा फिटिंग में बहुत ही माहिर है और वो ज़्यादा करके दिन भर सुबह से लेकर शाम तक, कभी कभी अंधेरा भी हो जाता है, और अभी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए नहीं क्योंकि बारिश के दिनों में आपको पता ही है, आप खुद का बिजनेस भी है उनका भी बिजनेस होता है गैर जो लगा, पर होता क्या दोस्तों बारिश की वजह से मोबाइल ख़राब हो जाता है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इससे मैं जब वक्त मिले बारिश रुक जाए तब वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों अब बारिश की बात आई तो बारिश के ऊपर मैंने बहुत सारे पहले भी वीडियो बनाए और आप चाहे तो ड्रिप्स में उसकी लिंक देख सकते हैं कि आपको गाड़ी के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये शॉकअप सर है दोस्तों, देखो आगे का काम करते करते आप ये भी काम ध्यान देना है, फॉर्क करते करते आपको शॉकअप सर भी चेक कर लेना, चेक करने का तरीका भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, आपका आपको चेक ख़राब हो गया है या अच्छा है या फिर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आपको उसमें कुछ थोड़ा सुधार कर सकते हैं, उसको शॉकअप सर में नई जान डाल सकते हैं दोस्तों, पर आपको स्टेप बाय स्टेप काम कर लेना है। अभी ये शॉकअप सर फिलहाल नया है और अभी यहाँ बहुत सारे अलग अलग काम होते रहते हैं, पर अभी एक के पीछे एक आपको दिखा दे। और दोस्तों आपका व्हील बहुत ही जाम चल रहा है, तो आपको 200-250-300 तक आपको ये आगे की बेरिंग है, आप ये ख़राब क्यों होता है ये देख सकते हैं, ग्रीस जो ग्रीस पंप है गन भी बोलते हैं उसका यूज़ नहीं करते दोस्तों, ये ज़्यादा पैसा नहीं लगता है और एक्सल अच्छे तरह से वर्क करता है, आपका व्हील आगे का जो बारिश के दिनों में उसके अंदर का ग्रीस निकल जाता है, धूल मिट्टी कीचड़ जाने के बाद वो जंग लगता है और ख़राब हो जाता है और आपका व्हील जाम चालू हो जाता है। तो दोस्तों यह आपको इसका जानकारी इसलिए दे रहा हूँ, ये काम जल्दी जल्दी कर लो, फटाफट कर लो और आगे चल के आपको गाड़ी का जो लाइफ और भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपको ऐसे छोटे मोटे तो वीडियो मिलते रहेंगे पर ज्ञान की बातें रहती है, इसलिए आपको मैं और भी अच्छी तरह से उसका जो एक्सप्लेन करने को चाहता था, इसलिए मैंने आपको दोबारा ये वीडियो अच्छे से बनाए। तो फिलहाल इमरान भाई आप देख सकते हैं ये अलग अलग वीडियो जो मैंने संभाल के रखे थे और एक साथ बना के वीडियो उसको आप भी अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ हो गया व्हील का जाम, कभी कभी लाइनर भी ख़राब हो जाती है और दूसरा बेरिंग, तो दो बेरिंग उसका एक आगे वाली छोटी रहती है एक बड़ी बेरिंग, वो निकाल के अंदर का पूरा ख़राब ग्रीस निकाल देना है, मिट्टी रहती धूल रहती कीचड़ रहता है और बारिश के दिनों में ये बहुत सारा प्रॉब्लम होते रहता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं और भी सारा काम है, बातें तो करते रहेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे जो चैनल पर कभी आए हो तो चैनल को लाइक और शेयर और रेड कलर का बटन को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स के लिए आपको बेल आइकन दबानी है दोस्तों। तो यहाँ आपको ग्रीस अच्छे वाला कंपनी का यूज़ करना है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ आपकी गाड़ी शोरूम हो या पुरानी हो पर दोस्तों ये चीज़ें पर ध्यान देना पड़ता है, जब कंपनी की बेरिंग या कंपनी का बहुत सारा चीज़ें लगे हुए रहती है तो ब्रांडेड और बहुत ही भारी बढ़िया होती है, पर आप चलाने का तरीका गलत या फिर आपको ज़्यादा लालच की वजह से ये प्रॉब्लम ऐसे है क्या दोस्तों, लालच मतलब मेरा बोलने का मतलब ये, मैं भी खुद ऑटो चलाता पर इसका मतलब ऐसे नहीं, पर कभी कभार क्या होता है आप शॉर्टकट क्या कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आपकी गाड़ी के लिए बहुत नुकसान बढ़ सकता है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ और आप आगे चल के इसकी जानकारी देते रहता हूँ। तो बहुत से आप मिस्त्री फिटर लोग ऐसे बहुत यूट्यूब पे बहुत सारे आपको चैनल पे मिलते रहेंगे, पर दोस्तों क्या होता है आप बहुत दिनों से ऑटो चलाते हैं तो ये छोटी मोटी चीज़ें ध्यान देना पड़ता है, जो छोटी बेरिंग बड़ी बेरिंग अभी 250-300 तक क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी का नाम बताने से अच्छा उनका जो प्रोडक्ट का जो
उनका जो प्रोडक्ट होता है जिसका नाम बताने से अच्छा आपको ओरिजिनल स्पेयर पार्ट जो बजाज कंपनी के होते हैं। अब बजाज कंपनी के लोग कोई बहुत ऑटो ड्राइवर की उसको पसंद नहीं आता, वो TVS भी चलाता है या फिर महिंद्रा की गाड़ी है, उसके बाद आपको एपे की भी है, तो आपको जहाँ फिटर किस प्रकार का उस पे निर्भर करता है। दोस्तों यहाँ अभी नासिक में फिलहाल 2-स्ट्रोक गाड़ी के फिटर बहुत सारे, पर 4-स्ट्रोक गाड़ी के अभी अभी फिटर थोड़े बहुत बढ़ चुके हैं, पर दोस्तों होता क्या उसका जो काम करने टाइम उसका पैसा भी बहुत लगता है। काम करे 2-स्ट्रोक हो या 4-स्ट्रोक, पैसा तो दोनों को भी लगता है, मतलब उसका खर्चा है आपको उठाना ही पड़ता है। जो आपको कमा के देती है तो आपको उस पर खर्चा भी करना ज़रूरी है। तो दोस्तों यह हो गया खर्चे की बात। तो फिटिंग करते समय आप देख सकते हैं ये टूल्स तो आपके पास हो, टॉमी हो या फिर बड़ा सा रॉड चाहिए लोहे का, आपके पास जैक होना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत उसकी जानकारी। तो दोस्तों यही चीज़ें हम शेयर करते हैं कि आपको खुद काम ना हो पर फिटर या मिस्त्री के पास भी जाके कर सकते हैं, पर आपको मालूम होना चाहिए काम कब करना है और कब नहीं। तो दोस्तों अभी आगे चलते हैं और देखते हैं टायर जो आपके टायर की लाइफ कैसे बढ़े, क्योंकि ये फॉर्क आउट होने के बाद या पिन सेट जाने का तो टायर की लाइफ ख़राब हो जाती है। टायर ख़राब होने का तो मतलब उसकी जो डिज़ाइन है पूरा चेंज होता है। फिर अभी फॉर्क आउट पिन सेट सब होने के बाद आपको आगे जाना है, पंचर जहाँ निकलता है वहाँ जाना है, वहाँ आपका व्हील जो आगे का टायर व्हील खोलने के बाद उसको हवा है वो सब निकाल देना है, उस पर ऐसी मार्क करने का जो जिस तरफ से आपका टायर घस रहा है या ख़राब हो रहा है उसको इस तरह पलटी मार लेने, मतलब उसकी दूसरी बाजू उस तरफ कर देनी, मतलब ये काम आपको एक साथ करना है, क्योंकि बाद में दोस्तों क्या होता है आपका टायर जो है ब्रांडेड कंपनी के ख़राब होने लगते हैं और आपको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों अभी फ़िलहाल इमरान भाई तो काम हो चुका है और मेरा भी वीडियो आपको बहुत तक समझ में आ चुका होगा, तो ज़रूर लाइक और शेयर करते रहना है। मैं अनिल बागुल आपके लिए ऑटो रिक्शा ज्ञान में ऐसे ही बहुत सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और करता रहूँगा। आप चाहो मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करो, ये वीडियो कहाँ तक पहुँचे हमें भी समझ में आए, क्योंकि दोस्तों क्या होता आपका प्यार हमारे लिए बहुत ही काम और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो TVS की लो, एपे लो, बजाज महिंद्रा कौन सी भी गाड़ी लो, पर काम करना ज़रूरी है और हमें वीडियो बनाना। तो दोस्तों आगे लास्ट तक रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आपको यहाँ पहले ऑटो रिक्शा ज्ञान में सब्सक्राइब करना है और आने वाले हर वीडियो के लिए अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना है। गुड बाय।